नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विद मी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार रखिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर ये है, भारत की स्वतंत्रता के बाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया यानी कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेज उत्तर प्रदेश यानी यूपी नाम से जाना जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेज के प्रधान गोविंद वल्लभ पंत राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। तो ये जो जानकारी है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, वो बने थे गोविंद वल्लभ पंत जी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगर ये पूछा जाता उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। यहाँ पर आपको इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और देखिए क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कब बने। यहाँ पर डेट ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर ए है 20 अगस्त 2017, 19 मार्च 2017, 30 मार्च 2017, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19 मार्च 2017। योगी आदित्यनाथ जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने, 19 मार्च 2017 को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, केशव प्रसाद मौर्य। साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश यानी यूपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम 2017 में बने थे, कब बने थे, 19 मार्च 2017 को। लास्ट क्वेश्चन यहां पर यह है, साल 2022 में यूपी मंत्रिमंडल में कितने उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम्स बनाए गए हैं, 4, 2, 3, 5। साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 यानी कि 2। साल 2022 में यूपी मंत्रिमंडल में यानी कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, 2 डिप्टी सीएम्स बनाए गए हैं। कौन कौन बनाए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी। ठीक है, तो ये जो सारी जानकारी है वो आप ध्यान रखिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में आपके लिए ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।